आप सामने हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप उतरेंगे? मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट हैं। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, बेरोजगारी आसमान की तरफ बढ़ रही है, किसान परेशान है, खस्ताहाल है, व्यापार और उद्योग रसातल की तरफ जा रहा है। तो किस ये अपने आप में पेट का मुद्दा है। महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। तो ये जो चारों तरफ ऐसी स्थितियाँ पैदा हुई हैं जो देश की आज तक की तरक्की को नीचे की तरफ ले जाने का काम कर रही है, ये एक बड़ा मुद्दा है। और इतना ही बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। राफेल फाइटर प्लेन के खरीद में जो घोटाला हुआ है, आज मेहुल चौकसी को लेकर के जो कुछ अखबारों में आ रहा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे सरकार की देखा देखी में प्लांट तरीके से मेहुल चौकसी को जो है एंटीगुआ में शरण दी गई है। तो ये सब चीज़ें हैं, हम पहले से इस बात को कह रहे थे, चाहे छोटा मोदी हो, चाहे राजस्थान वाला मोदी हो, या जो है मेहुल चौकसी हो, या मलया हो, ये सब लोग जो है भाजपा की गोद में बैठ करके भागे हैं और बैंकों को चूना लगा करके गए हैं। पता नहीं बैंकों को चूना लगाने वाले और कितने ऐसे चौकसी और मेहुल हैं देश के अंदर। एनआरसी भी मुद्दा रहेगा आसाम का? एनआरसी पर जो है हम आज वर्किंग कमेटी में व्यापक रूप से परामर्श हुआ है और उस पर पार्टी का व्यू आपको, आप इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, अभी आ जाएगा। बैलेट और ईवीएम भी मुद्दा रहेगा? देखिए ईवीएम जनता का मुद्दा है। आज लोगों को ये लगता है कि जो ईवीएम है, ईवीएम को लेकर के लोग संकालु हैं। लोगों को लगता है जिनको हमने वोट दिया नहीं वो कैसे जीत जा रहे हैं। तो जनता अभी इस सवाल को उठा रही है और इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए, शंका का समाधान करना चाहिए। सवाल उठ चुका है कि मशीन का दुरुपयोग हो रहा है। धन्यवाद।